नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार गुप्ता। आज हम लोग सीखने वाले हैं रिमाइंडर। इसमें हम लोग चार रूल्स सीखेंगे। उस चार रूल्स की मदद से हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है। तो एक एग्जांपल देते हैं, 33 को 5 से डिवाइड करते हैं। तो 33 जो है वो डिवाइडेंड है, और जिसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसे डिवाइजर कहते हैं। अब इसे डिवाइड करते हैं, 5 6 30, तो 30 और ये 3, तो 3 हो गया अपना रिमाइंडर, 6 हुआ क्वोशेंट, 5 डिवाइजर और 33 डिवाइडेंड। अब रूल सीख लेते हैं कि रूल नंबर 1 ये कहता है कि यदि डिवाइडेंड डिवाइजर से कम हो तो डिवाइडेंड ही रिमाइंडर हो जाता है। फॉर एग्जांपल 3/5 का रिमाइंडर 3 होगा। रूल नंबर 2, रिमाइंडर का फाइनल वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा। मतलब यानी कि आंसर जो होगा, रिमाइंडर का आंसर जो आएगा प्रॉब्लम के, वो निगेटिव में कभी नहीं आएगा। अगर आता है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 38 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 8 40, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा -2। अगर निगेटिव आ जाए तो इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसमें डिवाइज़र को ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ -2 आया है, तो अब इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे डिवाइज़र 5 है, तो -2 + 5 कर देंगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, और यही आंसर होगा फाइनल आंसर। रूल 3 ये कहता है कि यदि नंबर है जो है वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो, और उसका कोई भी नंबर डिवाइजर से अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 31 × 32 × 33 × 34 × 35 / 11। अब ये 11 33 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, तो यहाँ कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यानी वो पूरा नंबर जो है 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाने पर रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चंस है 23 × 25 × 26 × 29 / 6, इसका रिमाइंडर निकालना है। अब 6 से 23 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, 25 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 26 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, 29 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आएगा। तो r = हम लोग लिख लेंगे 5 × 1 × 2 × 5। अब इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 50, जो ज़्यादा है डिवाइजर से, 6 से ज़्यादा है 50, तो फिर से दोबारा डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 50 / 6, अब रिमाइंडर आ जाएगा 2, और वही आंसर हो जाएगा। अगर निगेटिव रिमाइंडर मेथड से इसे करें तो ये और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि 23 × 25 × 26 × 29 है, अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 4 24, तो ये 23 जो है से ज़्यादा हुआ, तो रिमाइंडर यहाँ -1 आ जाएगा। 25 रिमाइंडर 1 लिख लेते हैं, 26 को रिमाइंडर 2, और 29 6 5 30 हो जाएगा, तो रिमाइंडर -1 लिख लेंगे। अब इसका r = होगा -1 × 1 × 2 × -1। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन से प्लस हो जाता है, तो यहाँ r = 2 आ गया आंसर, और ये मेथड आसान पड़ता है, इसलिए हम लोग निगेटिव को भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर फाइनल आंसर निगेटिव में आ जाता है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगला क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। 1 × 47 × 1 × 46 × 1 × 45 × 1 × 49 / 12, इसका रिमाइंडर निकालना है। अब 12 से डिवाइड करेंगे 1 × 47 को, तो यहाँ r = -1 आएगा। 1 × 46 को डिवाइड करेंगे तो r = -2। 1 × 45 को डिवाइड करेंगे तो r = -3। 1 × 49 को डिवाइड करने पे r = 1। अब इसे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, r = आएगा -1 × -2 × -3 × 1, तो ये आ जाएगा -6। अब इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि निगेटिव आंसर नहीं हो सकता रिमाइंडर का, तो इसमें हम लोग डिवाइजर ऐड कर लेंगे। तो डिवाइजर 12 है, तो 12 - 6 में 12 ऐड कर लिए तो 6 आंसर आ जाएगा, और 6 ही होगा फाइनल आंसर, पॉजिटिव ही होगा। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। 97 × 96 × 98 × 99 × 95
को डिवाइड करना है 25 से और रिमाइंडर बताना है। तो 25 से अगर डिवाइड करते हैं, चलिए पॉजिटिव वाला लेते हैं, तो 97 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 22 आएगा, 96 को डिवाइड करने पर 21, 98 को डिवाइड करने पर 23, और 99 को डिवाइड करने पर 24, और 95 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 20। अब ये मल्टीप्लिकेशन इसका टफ हो जाएगा, 21 इंटू 23 इंटू 24 इंटू 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बात वही हो गई, लेंदी हो गया, तो इसलिए निगेटिव रिमाइंडर बताया गया। तो निगेटिव रिमाइंडर्स का यूज़ करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। जैसे कि 97 है तो 25 से डिवाइड करने पे यहाँ रिमाइंडर -3 आएगा, 96 को डिवाइड करने पे -4, 98 को डिवाइड करने पे -2, 99 को डिवाइड करने पे आएगा -1, और 95 को डिवाइड करने पे -5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा -120। अब फिर से इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा माइनस में रिमाइंडर। अब इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइजर ऐड कर देंगे इसमें, तो -20 प्लस 25 इज इक्वल टू प्लस 5, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, प्लस 5 ही आंसर होगा। और ये मेथड आसान पड़ता है, इसीलिए हम लोग जो सबसे कम वाला लेते हैं, अगर माइनस वाला ले लेते हैं या प्लस वाला, उनमें से जो कम आता है उसे ही ले लेते हैं, तो इससे मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब चीज़ें आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1445 प्लस 1446 प्लस 1440 इंटू 1455 डिवाइडेड बाई 14 का रिमाइंडर निकालना है। अब 1445 को 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 1446 को डिवाइड करने पे 4 आएगा, 1440 को डिवाइड करने पे 6 आएगा, और 1455 को डिवाइड करने पे -1 आएगा। तो इसे लिख लेंगे 3 प्लस 4 प्लस 6 इंटू -1। अब इसमें वोड मास रूल लगा लेंगे, तो सबसे पहले वोड मास रूल में मल्टीप्लिकेशन करना होगा इसमें, तो इसे -6 लिख लेंगे, तो 3 प्लस 4 -6 हो जाएगा, ये आएगा 1, और 1 ही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब इसका रिमाइंडर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई कट जाएगा, बचेगा एक्स माइनस वाई, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें रिमाइंडर बताना है, यानी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाने पर रिमाइंडर 0 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। Thanks for watching.